अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का मेरा व्लॉग जो है, इसमें मैं बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ अपनी कैट्स की। आज एक्चुअली जिगी, जोए और स्कूबी की बर्थडे है, और माशाल्लाह से ये तीनों 1 साल के हो गए हैं और आज इनकी फर्स्ट बर्थडे है। ये अभी मेरी मामा जो है इनके लिए गिफ्ट्स लेकर आई थी तीनों के लिए, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या क्या लाई हैं। और हम लोग इनकी बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे हैं। डिनर वगैरह हमें सब ने कर लिया हुआ है और बस अब केक काटना है। और ये देखें जो ग्लासेस हैं लाइट्स वाले, ये मामा लाई हैं जिगी के लिए। जोए के लिए ये हेयर बैंड लाई हैं, और स्कूबी के लिए एक बड़ा प्यारा सा ना छोटा सा रैबिट सा लाई हैं, जो जिसमें से लाइट्स ऑन होती हैं। तो इतने क्यूट से गिफ्ट्स इनके लिए मामा लेके आई थी, और हम लोगों ने ये गिफ्ट्स इनको पहनाए। स्कूबी अपने टॉय से बहुत खुश हो रहा था, खेल भी रहा था, अपने गिफ्ट उसको बहुत अच्छा लगे। और हम लोग फिर अब इनको ला ला कर बिठा रहे थे सोफे पे कि ये बच्चे आए और फिर हम लोग केक कट करें। सिर्फ जिगी जो है ना वो प्रॉपर हमारे पास बैठा रहा है, बाकी तो भाग जाते थे। स्कूबी तो बिल्कुल नहीं बैठा, क्योंकि हमने म्यूज़िक भी ऑन किया हुआ था, और जब घर में ज़्यादा गेस्ट आ जाए ना तो स्कूबी ना घबरा जाता है, तो बैठता ही नहीं है वहाँ पे। स्कूबी तो कभी कहाँ चुप रहा था, कभी कहाँ, कभी सोफों के पीछे भाग रहा था, कभी बेड के नीचे भाग रहा था। तो स्कूबी तो अपनी बर्थडे बस उसने स्कूबी ने क्या सेलिब्रेट करी थी, हमने इंजॉय किया उसकी बर्थडे। और जो जोए थी वो भी भाग जाती थी, तो सिर्फ जिगी जो है ना वो प्यारा सा शरीफ बच्चा बन के हमारे पास बैठा रहा। और मैंने फिर जिगी को उठाया और हमने इसके लिए केक कट किया, और ये केक हमने भी खाया और इन बच्चों ने भी, क्योंकि मेरे सब बच्चों को, सब कैट्स को मेरी केक बहुत अच्छा लगता है। स्वीट्स इनको बहुत पसंद है। हम लोग वैसे इनको स्वीट ज़्यादा देते नहीं हैं, स्वीट डिशेस, डिज़र्ट्स वगैरह, क्योंकि मीठा कैट्स के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन आज तो ऑब्वियसली इनका बर्थडे था, तो आज तो बनता था उनका मीठी चीज़ें खाना, तो हम लोगों ने आज खिलाई थी। माशाल्लाह जिगी इतना क्यूट है और बिल्कुल अपने फादर जैसा है, और अभी ये माशाल्लाह से जस्ट 1 ईयर का है। किसी दिन मैं इंशाल्लाह आपको इसके फादर भी दिखाऊंगी। मेरे भाई के पास मामा के घर में वो है, मिल्क शेक होता है, वो भी बिल्कुल इसकी तरह है, इस बिल्कुल इस तरह का ओड आइज है, और बहुत प्यारा है वो भी माशाल्लाह। अच्छा, लास्ट ईयर ना मेरी जब मफिन की बर्थडे थी, मफिन और मफिन के भाई की बर्थडे थी, तो वो मैंने ना बहुत ग्रैंड लेवल पे उसको मैंने सेलिब्रेट किया था। मैंने बारबेक्यू भी किया था, और हम लोगों ने घर को डेकोरेट भी किया था उस दिन ना। लेकिन उसका व्लॉग मेरे दूसरे चैनल पर है, आप वहाँ पर देख सकते हैं, रिदा फुजैल व्लॉग्स पर। तो हुआ क्या, उसके बर्थडे हमने सेलिब्रेट की, मैं मफिन और उसके भाई से बहुत प्यार करती थी, ईवा से मैं बहुत प्यार करती थी। तो जब इनकी बर्थडे को, ईवा मफिन की बर्थडे के हुई है सेलिब्रेट, तो उसी रात ना मुझे एक ख्वाब आया। मैंने ख्वाब में देखा कि ईवा की डेथ हो गई है। जिस दिन हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया उसी दिन ही मैंने ये ख्वाब देख लिया था। तो जब मैं उठी हूँ तो मैं एकदम से घबरा गई हूँ ना, मैं उससे इतना प्यार करती थी कि मैं रोने लग गई। और वैसे ही 10 डेज गुजरे, और आफ्टर 10 डेज ईवा की डेथ हो गई। तो मैं उसके बाद इतनी शॉक में चली गई थी, मैं 1-1.5 महीना जो है ना मैं इस स्ट्रेस से बाहर नहीं आई थी, क्योंकि मैं उसको अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। तो इसीलिए ना मफिन ईवा की बर्थडे के बाद, ईवा की डेथ के बाद, मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं इन बच्चों के लिए घर को डेकोरेट करूँ। हमने इसलिए नॉर्मल सी बर्थडे सेलिब्रेट की थी, और केक वगैरह खा के, खाना खा के, अब हम लोगों ने मेरी शादी की मूवी लगा ली थी, क्योंकि बहुत दिन से देखी भी नहीं थी। और फिर जब फैमिली मेम्बर सब इकट्ठे होते हैं तो मज़ा आता है ना शादी की मूवीज़ देखने का। तो मेरी शादी की मूवी लग चुकी है, और माशाल्लाह से मेरी शादी को इस नवंबर में 3 ईयर्स पूरे हो जाएंगे। और स्कूबी यहाँ देखें अपने गिफ्ट के साथ खेल रहा है, और टोगो को बहुत अच्छा लग रहा है, सारे बच्चे इसे बहुत फैसिनेट हो रहे थे और खेल रहे थे इन गिफ्ट्स के साथ। तो आज का व्लॉग बस मेरा यहीं तक था, अब आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अगर पॉसिबल हुआ तो किसी व्लॉग के साथ मिलूंगी। अल्लाह हाफ़िज़।